হেরানগর প্রত্যেকটা ফোর্টের গেটের উপরে এরকম একটা গণেশ ঠাকুরের মূর্তি আছে প্রত্যেকটা ফোর্টের। এখন এসছি মেহরানগর ফোর্ট, যেটা হচ্ছে একদম হার্ড কোর যুদ্ধের ফোর্ট। ও বাবা রে, অত উপর তাকাতেও পাচ্ছি না, এত বড় কি ফ্যাসিলিটি হ্যায় না। ইয়ে 1995 মে লাগাই গই লিফট, লিফট আপনে কো 12 ফ্লোর পে ছোড়েগি। सूरज, क्योंकि ये जो राज परिवार है सूर्यवंशी है, तो मेहरान मीन सूरज और गढ़ मीन फोर्ट, तो इस किले का नाम है मेहरानगढ़। ये किला राव जोधा ने स्टार्ट किया था। देखो जो दीदी आप सीरियल देखते हैं जोधा भाई जोधा, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। सी वाज फीमेल और ये राव जोधा ही वाज मेल। इन्होंने 12 मई 1459 को इस किले को बनाना शुरू किया, फिर उन्हीं के वंश भागे आते हुए किला बनाते हैं। अभी इस किले के मालिक प्रेजेंट महाराजा है, ये दत्त सिंह 75 ईयर ओल्ड, ही लिव्स इन उमेद भवन पैलेस, ये इस किले के मालिक है। वेल मेंटेन फोर्ट इन एशिया, जोधपुर को राव जोधा ने बसाया इसलिए इसको जोधपुर बुलाते हैं। सेकंड नाम जोधपुर का क्या है, ब्लू सिटी। जो भी मकान आप देख रहे हैं ब्लू वाले, ये पंडितों के मकान है, और जो पंडित यहाँ पे रहते हैं वो शिव की पूजा, शिव का कलर ब्लू होने के कारण उन्होंने अपने मकानों को ब्लू पेंट किया। ब्लू कलर गर्मियों में मकानों को ठंडा रखता है। सूर्य नगरी, सन सिटी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देर सूरज जोधपुर में रहता है। गर्मियों में लगभग 14.5 घंटे तक यहाँ पे सूरज रहता है। वो सिटी वॉल, उसके अंदर पुराना जोधपुर है, उसके बाद नया जोधपुर। पैदल आने का रास्ता, जब वापस आएंगे ना 1 घंटे बाद अपनी इस रास्ते से पैदल आएंगे। जब ये किला बनाने लगे, जैसे ही बनाते टूट जाता, बनाते टूट जाता, परेशान हो गए लोग, मतलब दे नीड फायर, इनको जलाने के लिए जैसे पटाखा चलाते ना वैसे मैच बॉक्स की जरूरत पड़ती थी। वो राउंड वाला जो व्हील आप देख रहे हैं, वो पानी जिस गेट से आप एंटर हुए, वो पानी ऊपर पानी का टैंक था पहले, उससे पानी ऊपर खींचने के लिए इसको घुमाया जाता था। चारों तरफ है इस किले में। बाबर, हुमायूं, अकबर सब आए हैं, बट एज ए मेहमान आए। सेंट्रल में वो थे, यहाँ आते थे, जो भी शिकार किया, अटैक किया, चले गए शांति से। बट औरंगजेब जिस एम से यहाँ पे आया था, उसको जीतने के लिए आया था इस किले को, क्योंकि यहाँ पे उस समय कोई राजा नहीं था। यहाँ के राजा शहीद हो गए थे अफगानिस्तान में, जमरूद करके भी जगह वहाँ पे, तो कोई नहीं था पीछे। तो प्रेग्नेंट लेडीज सबको मार दिया, उस किले को कब्जे में लिया। फिर महाराजा अजीत सिंह, जो यहाँ के होने वाले राजा थे, वो छोटे थे, तो उनको जंगलों में पाल पोस के, छुपा के पाल पोस के बड़ा किया गया। लाइक हाथी के ऊपर बांधने वाली पालकियाँ है, इस तरीके से बांधी जाती है। ये लकड़ी की बनी है मेन, अंदर कब का होगा ये? ये सब 19th, 18th, 17th century का है, 200-300 साल पुराना है। उनके अंदर लकड़ी है, फिर उसके ऊपर सिल्वर की फॉयल है, उसको हाथी के ऊपर इस तरीके से बांधा जाता था। फिर फ्रंट में राजा बैठता था, पीछे उनका बॉडी गार्ड बैठता था। उनको हाथी औदा बुलाते हैं, फंक्शन में इनका यूज किया जाता था, नॉट फॉर डेली यूज। ये सामान उठाने के लगेज के। लास्ट वाली पट रानी के लिए, पट रानी मीन्स फर्स्ट वाइफ ऑफ महाराजा, पहली सीनियर पोस्ट। मैन वाले इनको सर्वेंट कैरी करते थे, बट ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए थी। पहली वाली दुल्हन के लिए इसको 6 जने उठाते थे इस तरह से। सर ये होती थी 6 के 6 सेम हाइट के होने चाहिए, अदरवाइज अनबैलेंस। ये जो है ये देखने के लिए, हाँ, ये लेडीज बाहर देख सके, उसके लिए सीनियर लोगों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए आराम से बैठ सके, चढ़ सके, उतर सके। ये छोटी लगेगी आपको, बट ये भी दुल्हन के लिए छोटी, इसलिए क्योंकि पहले बाल विवाह हो जाते थे, चाइल्ड मैरिजेस दुल्हन के लिए। राइट साइड में आप जानते हैं, लेफ्ट में जो बर्तन है अफीम के लिए, ओपियम के लिए, अफीम को है ना लकड़ी के बर्तन में डालते हैं, पानी से मिक्स करते हैं, फिर दोनों फिल्टर से छानते हैं, फिर ऊपर शिव को चढ़ाते हैं, फिर लोग पीते हैं। इलीगल बट राजस्थान में आज भी चलते हैं। महाराजा सिंह जीत के गोल्ड कॉलेज सोना चौक, 12 जने स्कूल पाते गेस्ट होते हैं। पहले छोटे छोटे तोपों से उनका वेलकम किया जाता था, फिर उनको उठाया जाता था। इसका नाम महाडोल है, बहुत भारी, इसका वेट 170 kg के आसपास। पूरन नाम का एक राक्षस था, उसकी आत्मा आज भी है,
और उसको शादी करने का बहुत शौक है। वो ऐसे घरों के आसपास रहती है जहाँ शादी होने वाली होती है, इसलिए अपने को बोलते हैं। बंगाल में भी ऐसा ही है कि हल्दी होने के बाद लड़के लड़की को घर से बाहर नहीं जाने देते क्योंकि वो ऐसी आत्मा है। ओके। तो इसीलिए उस आत्मा को हम मानते हैं कि इसके अंदर है वो, इसलिए दूल्हा उसको मारता है फिर अंदर जाके फेरे लेता है। इसके ऊपर कौन सी मूवी बनी है? पहली मूवी देखना आप रानी मुखर्जी वाली, सब क्लियर हो जाएगा। वाले में चार चाबियां लगती थी, चारों चार जनों के पास रहते, चारों एक साथ में लगा था, दो एक देवता पेंटिंग से बीच में लकड़ी का टुकड़ा है ना, जो पुरानी सीलिंग है ऊपर से नीचे गिरा तो उसको यहीं रख दिया, ऊपर नया लगा दिया। और ये है मेडिटेशन हॉल, बट गलती से एक दो राजा ने इसको ऐसे बेडरूम भी यूज किया। सबसे सुंदर महलों में से एक महल है, इसका ऑफिशियल नेम है फ्लावर पैलेस, फूल महल, क्योंकि छत पे फूल पत्तों की काफ़ी पेंटिंग्स हैं। बट ये उस ज़माने का डांसिंग हॉल है, बीच में राजा, साइड में गेस्ट और डांसर सामने डांस करते हैं। इसमें जहाँ पे भी पीला कलर, इट्स गोल्ड पॉलिश, कलरफुल ग्लास फ्रॉम बेल्जियम। इसको बुलाते हैं कैच छुरा, कैंची प्लस छुरा, अंदर जाने का इसका दबाता है क्योंकि यहाँ पे कट से कंटिन्यू है। এখানে যতগুলো সোড আছে এর মধ্যে এই যে মিডিল যে সোডটা আছে কমেন্টে জানিও এই সোডটার ওয়েট কত হতে পারে। লাস্ট বেডরুম অফ মহারাজা তক আছে ডেকোরেশন কে লিয়ে আগে ডিসকো থেকে কি তরহ দিয়ে ক্যামেরাটার উপরে যেগুলো রাখা আছে এটা কিন্তু কোনো টাওয়ারের কোনো অ্যান্টেনা নয়, এটা হচ্ছে পায়রা থেকে বাঁচার জন্য প্রোটেকশনের ব্যবস্থা। এখানে এত পায়রা আছে, হয়ে গেল শেষ মেহরানগড় ফোর্ট ঘোরা। সবাই নামছে তো এখান থেকে, কত চিল উঠছে। বন গিয়া আজকে ডিনারটা আমরা হোটেলের যে ইনহাউস রেস্টুরেন্ট আছে ওখানেই করব। সো এখন নিয়েছি ফুচকা, এইভাবে ফুচকা প্রথমবার খাচ্ছি, গ্লাসের মধ্যে জল, এত ছোট ফুচকার সাইজ। এখন টাইম 5:59, মানে 6টা বেজেই গেছে, 8:10 এখান থেকে বেরোবো আমরা ফর দুর্গাপুর। যোধপুর থেকে আমাদের ফ্লাইট আছে আজকে,
চলো এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যদি ব্লগটা ভালো লাগে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, চ্যানেলে নতুন হলে ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব, আর কমেন্টে আমাদেরকে জানিও কি আমার এই রাজস্থানের ট্রিপটা তোমাদের কেমন লাগলো। আরে রুক যা, অ্যালার্মও বেজে গেছে ফোনে। চলো টাটা, টেক কেয়ার।